प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो काव्य के विशिष्टम तत्व के रूप में जो है ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंद वर्धक के युगांतकारी ग्रंथ ध्वनियालोक में मिलता है। तो इसके जो कवि थे वो थे आनंद वर्धन जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसाए में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है वो लाटानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही हो और केवल अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए तो वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, धनंजय में समास है। तो धनंजय में जो है वो बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उज्ज्वल कवयित्री कनुप्रिया मोक्ष। वैसे तो इसमें सभी की जो है वर्तनी मुझे शुद्ध ही लग रही है, तो ये गलत ऑप्शन ही इसमें कुछ गलत दिए गए हैं, तो इसे आप काट दीजिए। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, बूंद अघात सहे गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है। तो इसमें उदाहरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। तो वैराग्य संदीपनी के जो रचनाकार हैं वो है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, रामलला नेहचूर, राम आज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका, वरवे रामायण, दोहावली और हनुमान बाहुक। तो ये सभी इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, इन्हें आप याद रखें। अगला प्रश्न है, उर्मिला जिस का प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर इनकी अन्य कृतियों की बात की जाए तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कुवासी, विनोबा, स्तवन, प्राणार्पण, हम विश्यापी जन्म के, तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं। तो अपराजिता जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की के लिखा हुआ एक कृति है। और जो राम शुक्ल जी थे वो मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि थे। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं तो वो हैं मधुलिका, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वृषांत के बादल और विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, रूपाब के संपादक हैं। रूपाब के संपादक जो हैं वो हैं पंत जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रूपाब का जो प्रकाशन है वो 1938 में हुआ था और ये मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें प्रगतिशील शब्द कभी आया ही नहीं था। अगला प्रश्न है, हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर सी जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर है। और परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास जी हैं, लाला श्रीनिवास दास, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो उन्होंने पंडित देवीदत्त शुक्ल को जो है इसका कार्यभार सौंपा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक हैं, तो सुदामा चरित के लेखक जो हैं वो नंददास हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो अनिकार्य मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पांचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, तो उनका अर्थशास्त्र संबंधित विषय है संपत्ति शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लाल तारा के रचनाकार हैं, तो लाल तारा के रचनाकार रामप्रिक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, अम्बापाली और गेहूं और गुलाब, जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तो तुलसीदास जी ने जो है भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना कृष्ण गीतावली में की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी विसरी गयो हरि नाम। तो ये जो है वो कुंभन दास जी के कुछ पद हैं। और अगर कुंभन दास जी जो है वो परमानंद जी के समकालीन कवि थे, और वो जो है अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे, और उन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन होकर कहा था कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात नहिया टूटी बिसरी हयो हरिनाम, जो है ये वाक्य जो है उन्होंने कहे थे उस वक्त। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है? तो भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग जो है वो गृहस्थ ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। और अगर इनके रचनाओं की बात की जाए तो दशम ग्रंथ जो है इनका एक प्रमुख रचना है, और इनकी शैली जो है वो ओजस्विनी शैली थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक है, तो तुलसीदास चंदन घिसे जो है हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य परक रचना है। ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई को तो सभी जानते हैं, वो एक व्यंग्यात्मक लेखक के रूप में, प्रमुख लेखक के रूप में माने जाते हैं, और उन्होंने व्यंग्य पर ही ज़्यादातर अपनी रचनाएं की है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र जी का ललित निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो चितवन की छा, कदम फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान की शब्द परम संपदा, और हिंदू धर्म और संस्कृति आदि जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित एक उपन्यास है।
तो किशोरी लाल गोस्वामी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर इनके अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो तारा, चपला, नव्य समाज, चित्र तरुण, तपस्विनी, कुटीर वासिनी, लीलावती का आदर्श, सती, राजकुमारी, लवंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र जो है, इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास है, तो चतुरी चमार जो है वो निराला जी का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर निराला जी के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो प्रभावती, अलका, बिल्लेसूर, बकरीहा, कुल्ली भाट आदि जो है इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कुट्टी चाटन के उपन्यास से किसका व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। तो कुट्टी चाटन के उपन्यास से जो है वो अज्ञेय जी के व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय जी इसका सही आंसर है। और अज्ञेय ने जो है अनेक निबंध संग्रह जो है के जो है उनके प्रकाशित हो चुके थे, और कुट्टी चाटन के उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं, और आत्मनेपद और भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है सो सुख सूजन सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद कुंडलियां हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इसमें 6 चरण होते हैं जिसमें एक दोहा और एक रोला होता है, और दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, और दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। अगला प्रश्न है पुरुष का विलोम शब्द है, तो पुरुष का विलोम शब्द होता है कोमल, ऑप्शन नंबर सी। जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है जलधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, और जबकि जलद, मेघ, बारिद बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अगर बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो पर्योत, अम्बुद, जलधर, नीरद, पयोधर और वारिधर, ये सभी जो है वो बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है अन्न को पचाने वाली अग्नि है, तो अन्न को पचाने वाली अग्नि होती है जठराग्नि, ऑप्शन नंबर ए। संदेश रासक के रचयिता हैं, संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होते हैं, किंतु उनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कालिदास हजारा की रचना है, कालिदास हजारा की रचना की है, तो कालिदास हजारा नामक मुक्तक ग्रंथ की रचना जो है रीतिकालीन कवि कालिदास ने की है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूरण सिंह है, और इनके अन्य प्रमुख निबंधों की बात की जाए तो सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन आदि जो है इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं। अगला प्रश्न है सुलोचना निबंध संकलन है, तो सुलोचना भारतेंदु हरीश्चंद्र जी का निबंध संकलन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर इनके अन्य निबंध की बात की जाए तो हरिहास वंचक, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती आदि जो है इनके कुछ निबंध हैं। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं, तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक रांगे राघव जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और शिवदास सिंह चौहान ने जो है लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती जी ने युद्ध यात्रा, और शमशेर बहादुर जी ने प्लॉट को मोर्चा नामक रिपोर्ताज की रचना की है, तो इसके साथ इनके भी कुछ रिपोर्ताज को आप याद रखें। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक जो हैं वो
राहुल सांकृत्यायन जी हैं, ऑप्शन नंबर बी, और अगर इनके अन्य लिखित यात्रा वृत्त की बात की जाए तो मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, आदि जो है इनके कुछ यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये शरत चंद्र की जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। और अगर इनके अलावा अन्य कवियों की बात की जाए तो प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं, और पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी है, और निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना के लेखक राम विलास शर्मा जी हैं। तो ये भी याद रखें, इनसे रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह जो है वियोगी हरि की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वियोगी हरि। और जबकि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, और शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की कथा है। अगला प्रश्न है, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं? तो सफेद कौवा कहानी के लेखक जो है वो मंजुल भगत हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।